मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से बड़ी खबर है। बता दें कि कम मुआवजे से नाराज किसान कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक किसानों को सिर्फ 7 से 35 हजार का मुआवजा दिया गया है, जबकि उन्होंने खेत साफ करवाने में ही 30 हजार खर्च कर दिए। इससे मजदूरों की भरपाई तो नहीं हो पाई। वहीं किसानों का कहना है कि मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया गया है। वहीं किसानों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोबारा सर्वे की मांग की है। 10 मई में भारी बारिश तूफान से केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसान कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे और कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर ने भी कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। क्षेत्र के पूर्व सरपंच ओम राज बाविस्कर का भी कहना है कि यह सिर्फ हमें दी गई एक छोटी सी रकम है, जो बहुत कम है। वहीं संयुक्त कलेक्टर अशोक का कहना है कि किसान दोबारा सर्वे करने के लिए टीम बनाने की मांग कर रहे हैं। पर आज जब यहाँ किसान जमा हुए हैं तो यहाँ पे पूरा शून्य है। किसानों को मुआवजे के नाम पे किसी को 2000 रुपए मिल रहे, किसी को 5000, इतनी तो इनकी लागत भी नहीं है। ये किसानों के साथ जो सरकार और भाजपा मजाक कर रही है, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अन्नदाताओं ने फसल उगाना बंद कर दिया तो अपन खाएंगे क्या। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इनको जो भी राशि इनका नुकसान हुआ है और आपने जो वादा करा था 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उस हिसाब से इनको मुआवजा देना चाहिए। और इसका कोई मोलभाव होना ही नहीं चाहिए। किसान गरीब रहता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत से फसल उगाता है, तो मैं किसानों के साथ हम बहुत ताकत से खड़े हुए हैं। ये ग्राम पातोंडा और भोलाना के कृषक आए हैं। ये जो अभी पिछले उसमें बारिश में केले की फसल का नुकसान हुआ है, इनका कहना है कि इनको जो मुआवजा मिला है, सर्वे हुआ है, उस हिसाब से इनका जो नुकसान अधिक हुआ है लेकिन मुआवजा कम मिल रहा है, तो इसकी फिर से जांच कराते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत पाटुंडा भोलाना और बिरोधा के किसान, कम से कम 100-150 किसान परेशान है। और मुआवजे की राशि ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी ठीक है लेकिन वो भी किसानों के हित में ठीक नहीं है। ऊंट में जीरा ठीक है लेकिन किसानों को राशि भी 5000, 7000, 15000 ऐसी मिली है। उनका 80%, 90%, 100% नुकसान होने के बाद भी राशि नहीं मिली है। पटवारी तहसीलदार खेत में आके मुआवजा करके मुआवना करके गए, बोले मिल जाएगा आपको पैसा, लेकिन कुछ नहीं मिला है। और सरकार ने जो दे रही 2 लाख रुपए देंगे लेकिन वो भी